प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप हैरान हो जाएंगे साथ संगत जी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो इतनी सख्ताई से नशे की मनाई की ना, किसी भी प्रकार का नशा हो, तंबाकू, सिगरेट, पान सुपारी खाती, अमुख बीड़िया लाइया, हर हर कदे न चेते जम पकड़ चलाइया, प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। बहुत सख्ताई से किसी भी प्रकार के नशे की मनाही है। और शराब को गुरु नानक पातशाह ने सारे पापों की माँ कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के। पापों का जन्म कहां से होता है? पुत्र का जन्म कहां से होता है? माता से। गुरु नानक पातशाह कहते शराब सारे पापों की जड़ है, माँ है। अगर शराब पीता है इंसान, एक एक करके कई पापों में ग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक, गुरु अंगद देव जी महाराज के समय की घटना। गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब में विराजमान है, संगत जुड़ती है। गुरु नानक पातशाह का हुक्म था खडूर साहब जाकर बसाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां का चौधरी जिसका नाम आया मलुका, मलुका चौधरी, शराब पीने की आदत है। इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथ में। हर मोड़ पर ये जो साखी होती है ना, ये कहानी मत समझा करो, ये साखी के हर मोड़ पर शिक्षा होती है जिसे लेने की जरूरत होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन के समय ठीक रहता है, शाम को जब पी लेता है छत पर चढ़ जाता है। बीच में छोटी सी नहर है, दूसरी तरफ गुरु अंगद देव जी महाराज का स्थान है जहां संगत जुड़ती है, कीर्तन करती है, कीर्तन होता है, कथा होती है। ये अपनी छत पर चढ़ जाता है, घर की छत पर, और वहां से गालियां देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गालियां भी किसे? दूसरे गुरु नानक, गुरु अंगद देव जी को। बुरा भला कहता है, जो मन में आए कहता है। घरवाली डरती है, कांपती है। वो जानती है गुरु अंगद देव जी कौन है, दूसरे गुरु नानक। बहुत समझाती है, बहुत समझाती है। दिन के समय समझ जाता है, शाम को जब पी लेता है कुछ होश नहीं रहती। इसी बात का दुख है, सारी संगत वहां जुड़ती है। चौधरी मैं हूं गांव का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज का ये सिलसिला है, नेत निरंकार की मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिर पड़ा मिर्गी के दौरे से, बहुत दौलतमंद है, पैसे वाला है, बड़े बड़े वैद्य बुलाए, सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घबरा गया, कहने का कोई तो उपाय होगा। घरवाले ने कहा अगर मेरी बात मानो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग खटिया पर आते हैं, लोग हाथों पे उठा के लेके आते कंधे पर बीमारों को, और गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन करके पैरों पर चलकर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक है वो, जाकर माफी मांग लो अपने किए की, कितना बुरा भला कहा है अपने उन्हें। बीमार था, बचने की उम्मीद नहीं थी, मन विनम्र हो गया, चला गया गुरु अंगद देव जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत जुड़ी हुई है, गुरु अंगद देव जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठे हैं। इसने दूर से ही माथा टेक कर शर्मिंदा हो गया कि मैं सामने कैसे जाऊं, इतनी गालियां दी मैंने। पीछे जाकर बैठ गया संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज ने आवाज दी, मलुकिया तू तो गांव का चौधरी है, तेरा सत्कार बनता है, यहाँ पे आगे आके बैठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोने लगा जोर जोर से कि मैंने आपको इतनी गालियां दी हैं और आप इतना सत्कार दे रहे हो, मुझे आगे बिठा रहे हो अपने पास बुलाकर। कह लेंगे मुलुकिया बात मानेगा, अंतर्जामी पातशाह है, तू शराब छोड़ दे, ये मिर्गी तुझे छोड़ देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने, मेरा जाति तजुर्बा है साथ संगत जी, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है और सच में देखा है, मैं खुद हैरान हूं कि जब कोई तकलीफ आती है ना, गुरु शराब पीने के लिए मना करता है, अंदर से सबको पता है
बहाने बना बना कर अपने तर्क दे के पीते हैं वो बात अलग है। भीतर पता होता है कि गुरु की तरफ से सख्त मनाही है। जब कोई बड़ी तकलीफ आती है ना तो वो अरदास करते हैं कि आज से पीनी छोड़ दूंगा, ये तकलीफ ठीक हो जाए। यार जी बोली अदान गुरु नानक, और गुरु सुनता है। सच में मैंने देखा है उनकी तकलीफ उसी वक्त ठीक होती है। कोई एक बार गुरु के आगे गिर तो पड़े, यार जी बोली अदान गुरु नानक। पर एक बात याद रखना, इस साखी में ये भी साबित होता है जो एक बार वचन कर दिया उसे निभाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ये इसलिए कह रहा है, इसलिए कह रहा है, जो पीते हैं सबको पता है अंदर कौन पीता है। वो गुरु के आगे अरदास करो, पाचा हम छोड़ते हैं अभी से, जो चाहिए मांग लो उसके बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मलुकिया गुरु अंगद देव जी महाराज वचन करते हैं, तू शराब छोड़ दे मिर्गी तुझे छोड़ देगी। मलुके चौधरी ने कहा आज के बाद मैं कसम खाता हूँ शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये मेरी मिर्गी ठीक हो जाए। घर वाली खुश हो गई, वो जानते थे गुरु नानक के मुखारविंद से वचन निकले हैं कैसे नहीं पूरे होंगे। मिर्गी ठीक हो गई, काफी समय बीत गया, खुश रहा, घर का माहौल भी ठीक हो गया, घर में झगड़े होते थे वो सब ठीक हो गया, घर स्वर्ग जैसा हो गया। पर एक गलती कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन मित्रों के साथ बैठकर पीता था उन मित्रों का त्याग नहीं किया इसने। उनके साथ जाकर बैठ जाता था, पीता नहीं था पर बैठ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर एक बात समझने वाली है, भाई गुरुदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। अमली अमली ना छट होए बहन कठे, जो जुए जुआरियां लग दाव उपठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरुदास जी कहते हैं अमली अमल न छड़े होए बहन इकट्ठे, जो जुए जुआरियां लग दाव उपठे। जुआरी बैठे हो चाहे दाव उल्टा पड़ता जाए, हारता जाए लगातार, पर वो उठ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदाहरण दे रहे हैं भाई गुरुदास जी कि अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा, बैठा रह जाता है। कहते हैं इसी प्रकार अगर पीने वाले साथ में बैठ गए बिना पिए नहीं रह पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात भगत कबीर जी समझाया करते थे। बहुत लोगों को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हम पीते नहीं है, मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, पर क्या करें मजबूरी है, पीने वालों को साथ बैठना पड़ता है, पर हम पीते नहीं है। भाई गुरुदास जी कह रहे हैं अगर तू बैठा रहेगा, कबीर जी कह रहे हैं अगर तू बुरी संगत में बैठा रहेगा, अगर पीता नहीं भी है ज्यादा दिन नहीं बचेगा, पीना शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत का असर होना ही है। साधु के साथ बैठोगे नाम जपा जाएगा चाहो या नहीं चाहो, शराबी के साथ बैठे रहोगे शराब पी लोगे चाहो या नहीं चाहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जुआ, बहुत लोग जुए को बड़ा छोटा समझते हैं, दिवाली में खेल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जुआ तो युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से सवाल पूछा था। एक बात समझ लेना साथ संगत, यहां पर हम यहां पर रोज रोज सुबह अवस्था ऊंची करने की बात करते हैं कि नाम का रस कैसे आए, नाम भीतर कैसे जाए, दया कैसे आए, अहंकार कैसे खत्म हो, और ये तो उससे बहुत निचली चीजें हैं। अगर ये सब साथ में है तो ये बातें केवल कान रस है, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये सब नहीं छूटा और साथ में दोनों काम करते रहे पैरेलल, ये भी करते रहे वह भी करते रहे, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे बढ़ना है, ए रस छाड़े वो रस आवा, ये रस छोड़ोगे वो रस आएगा, और एक जिस दिन वो रस आ गया फिर ये रस फीका लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा आप कहते हो हर चीज में भला होता है, जो होता है अच्छा होता है,
हम पांच भाई, मैं जुए में बैठा, अपने भाइयों को हार गया, अपनी घरवाली को हार गया, दांव पे लगा दिया, अपना राज्य सब हार गया, क्या भला हुआ इसमें? मेरा जुए खोलने में क्या भला हुआ? किशन जी कह लेंगे सबसे बड़ा भला हुआ ये, जैसे बोलिए धन गुरु नानक, लोगों को सारी दुनिया को एक ज्ञान मिल गया कि धर्म राज युधिष्ठिर, जिसका दिमाग बहुत तेज है, जो धर्म का राजा है, जिसे इतना ज्ञान है क्या सही है क्या गलत, उससे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, युधिष्ठिर से ज्यादा। अगर ऐसा समझदार इंसान भी जुआ खेलने बैठ जाता है तो उसकी भी मति मारी जाती है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी दुनिया को संदेश गया है ये कि जुआ कितनी भयंकर चीज है। तो टाइम पास के लिए खेलते हैं, संभल जाओ। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही किया मलुके चौधरी ने, पीना छोड़ दिया पर पीने वालों का साथ नहीं छोड़ा। और वही हुआ, फिर पी ली एक दिन, पीकर छत पर फिर से चढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अंगद देव जी महाराज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। संगत दूर से सुन रही है, गुरु अंगद देव जी महाराज भी उसे देख रहे हैं, छत पे चढ़ा है, उसने वचन नहीं माना। गुरु अंगद देव जी महाराज ने क्या कहा था, तू शराब छोड़ दे मिर्गी तुझे छोड़ जाएगी। गुरु अंगद देव जी महाराज ने अपना वचन वापस ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी क्षण उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, छत से नीचे गिरा और वही उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जित पीते मत दूर होए, उसकी बीमारी ठीक हो गई, घर स्वर्ग बन गया, पर फिर से पी ली। ये शराब क्या है? जब 14 रतन प्रकट हुए थे, समुद्र को रिड़का गया था, तो उसमें से एक रतन कहा जाता है शराब थी। कई लोग कहते 14 रतनों में से एक है, पर महापुरुष कहते थे आई किसके हिस्से, राक्षसों के हिस्से। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, अमृत देवताओं के हिस्से में आया था, शराब राक्षसों के हिस्से में आई थी। इतना बुरा लगता है सात संगत जी, इतना बुरा लगता है, मैं क्या कहूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नशे को सबसे बड़ा खतरा कहा है। चार बज्जर कुरैतों में से एक नशा है, चार बज्जर कुरैतों में से नशे को एक रखा है। और आज हमारी हालत ये हो गई है सात संगत जी, मुझे कहा गया बाकी को तो बात छोड़ दो, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, वहां कहते कि सरदार होकर शराब नहीं पीते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या हालत हो गई हमारी सिखों की। सिख वो थे जो अमृत छक्कर त्यार पर त्यार रहते थे, दूसरों की मदद करने के लिए, अपने प्राण न्योछावर करने के लिए। और आज हमें यह कहा जाता है कि सिख होकर शराब नहीं पीते, मतलब लाजमी है सरदार है तो शराब पिएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या आंखें लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जाएंगे, डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। पंजाब में तो इतना बुरा हाल है नशों का, इतना बुरा हाल है, मैं हैरान हूं, जहां पे सिक्खी की जड़ है वहां पर इतना बुरा हाल है। और वजह सिर्फ एक है, शराब तभी भीतर आई है, अमृत छूट गया है। ये रस तब तक है जिसे अमृत वाला नहीं मिला। अरे अमृत वाले से रस कौन सा ज्यादा होगा, एक रस वो है जो परेशानियों में डालता है, एक रस ये है नाम का जो परेशानियों से निकालता है, एक रस वो है जिसे पीकर आदमी गाफल की नींद सो जाता है बेहोश होकर, एक रस वो है जो नींद उड़ा देती है, 2 बजे उठकर 3 बजे यहाँ पर आकर बैठे हो, इससे ज्यादा कौन सा नशा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तो नाम का रस नहीं आया, एक किनका मात्र आपको महसूस हुआ है तो रात को नींद नहीं आ रही। सोचो अगर पूरा रस मिल गया जिस दिन, वो क्या नशा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो पीते हैं जरा विचार करो क्या कर रहे हैं, गुरु को किस तरह से गुरु के आगे जाके आंख मिलाएंगे।